हेलो गाइस, क्या आप एक मेकअप आर्टिस्ट हैं? अगर हैं तो सुनिए कुछ क्लाइंट बुकिंग के बारे में। नंबर वन, अगर आपकी क्लाइंट की शादी की, संगीत की, मेहंदी की, हल्दी की या कोई भी ओकेशन की डेट फिक्स्ड हो चुकी है तो बुकिंग अमाउंट ज़रूर ले। नहीं, क्लाइंट को शादी से पहले ही या तो फेस में कुछ प्रॉब्लम हो चुका है या तो तबीयत में दिक्कत हो चुका है, ब्लार ब्लार एक्सक्यूजेस आपको मिलते रहेंगे, तो बुकिंग इम्पॉर्टेंट है। ऐसी कौन सी ब्राइड होगी जो अपने रिसेप्शन पे या शादी पे विदाउट मेकअप बैठेंगी, फिर भी फ़ोन करके ये एक्सक्यूज देंगी कि उनकी स्किन में प्रॉब्लम हो चुका है इसलिए वो मेकअप कैरी नहीं करेंगे? या तो क्लाइंट को सोशल मीडिया सर्च करके दूसरी कोई मेकअप आर्टिस्ट मिल चुकी होगी जो ब्राइडल मेकअप सिर्फ 1000-2000 में करते होंगे, या क्लाइंट खुद ही यूट्यूब देख के मेकअप करेंगे। नंबर टू पॉइंट, क्लाइंट को ज़रूर ज़रूर टाइप ऑफ मेकअप पूछिए, वरना ये हो सकता है, वरना पार्टी मेकअप बोल के रिसेप्शन पार्टी मेकअप करके चली जाएगी और पेमेंट आपको पार्टी मेकअप की ही मिलेगी। So be alert. Number 3 point, location. Client जब भी booking करे तब locality, area, street सब कुछ पूछ लीजिए, वरना wow. उस city का नाम बता के आपको 30 किलोमीटर अंदर गांव तक जाना पड़ेगा। उसी दिन ही आपका दूसरा bride रहे तो आपका क्या होगा? नंबर 4 पॉइंट, जब भी आप बुकिंग करें उसी दिन ही आप क्लाइंट को ये बता दीजिए कि पैकेज में क्या क्या इंक्लूडिंग रहेगा, वरना ये तो क्लाइंट बोलेंगे, दीदी आपने ज्वेलरी क्यों नहीं लाया, दीदी आपने हेयर एक्सेसरीज क्यों नहीं लाया। नंबर 5 पॉइंट, मेकअप होने के बाद ही हाथों हाथ आप पेमेंट ले या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करवाए, वरना नहीं तो आप फोन कर करके थक जाओगे, चक्कर मारते मारते थक जाओगे, दीदी बिजी ही रहेंगी, इसलिए पेमेंट लेना ज़रूरी है। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लास्ट में ये बताना चाहूँगी कि हर एक क्लाइंट ऐसे नहीं होते हैं, कुछ कुछ क्लाइंट ही ऐसे होते हैं, मैंने मेरे साथ एक्सपीरियंस किया है वही आप लोगों के साथ शेयर किया है। थैंक यू एवरीवन।